ये हमारी पालक पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं, रेस्टोरेंट जैसी पालक पनीर हमने घर पे बना के तैयार की है। सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ हमने आपके साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर की है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम पालक ले लिया। इसको मैंने अच्छे से धो करके ले लिया है। गैस पे मैंने पतीले में पानी रख दिया है। अब हम सारे पालक को इसमें डाल देंगे और इसे उबाल लेते हैं। हमने सारे पालक को इसमें डाल दिया है। अब हम थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे, इसे भी हम साथ में उबाल लेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे और इसमें उबाल आने देते हैं। ये आप देख सकते हैं पालक में उबाल आ चुकी है। इसे 2 मिनट और इसमें उबाल आने देते हैं। ये लीजिए, पालक हमारी अच्छे से उबल गई है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और पालक को पानी से निकाल लेते हैं। सारा पानी पालक से हम निकाल लेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब तक पालक हमारी ठंडी हो रही है तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। गैस पे कोई कढ़ाई या पैन रखे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें छोटी सी क्यूब बटर की डालेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। इसे थोड़ा चटकने देते हैं। उसके बाद हम इसमें 1 कटी हुई प्याज डालेंगे, जिसको मैंने बिल्कुल ही बारीक काट के रख लिया है। इसे इसमें डाल के भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हमें भून लेना है। ये आप देख सकते हैं प्याज हमारी भून चुकी है। अब हम इसमें 1 कटी हुई टमाटर डालेंगे। ये मीडियम साइज का टमाटर है, जिसको मैंने बिल्कुल ही बारीक काट के ले लिया है। इसे इसमें डाल देंगे। इसे भी साथ में हम भून लेंगे। टमाटर भी हमारी भून चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे भी चलाते हुए साथ में भून लें। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रहे हमने पालक उबालने टाइम भी नमक डाला हुआ है, इसलिए नमक आप अपने हिसाब से डालें। इसे डाल के मिला लें। थोड़ा इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले जले ना। इस तरीके से आप मिक्स करते हुए मसाले को भून लें। अब हम इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि मसाले अच्छे से भून जाए, प्याज और टमाटर भी घुल जाए। जब तक मसाले हमारे भून रहे हैं तब तक हम पालक को पीस लेते हैं। पालक भी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें सारे पालक को इसमें डाल करके इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। जार का ढक्कन लगा के आप इसका पेस्ट तैयार कर ले। ये लीजिए, पालक को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम मसाले को देख लेते हैं। ये देखिए, मसाले भी हमारे भुन चुके हैं। इस तरीके से आप एक बार इसे चला ले। अब हमने जो पालक को पीस के रखा हुआ है उसे इसमें डाल देंगे। इसे मिला दे। जार में थोड़ा पानी डाल के इसमें ऐड कर दे। इसे डाल के मिला ले। चलाते हुए आप पालक के पेस्ट को अच्छे से मसालों में मिक्स कर दे। अब इसमें हम उबाल आने देते हैं।
इसे 2 मिनट के लिए अब हम कवर कर देंगे और इसमें उबाल आने देते हैं। ये आप देख सकते हैं पालक में उबाल आ चुकी है, एक बार इसे चला ले। अब हम यहाँ पे 200 ग्राम पनीर डाल देंगे जिसको मैंने क्यूब में काट के ले लिया है, इसे इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून अमूल की फ्रेश क्रीम डालेंगे, इसे डाल के मिला ले। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप मलाई को ग्राइंडर में पीस के आप इसे इसमें डाल सकते हैं। इसे डाल के मिला ले। ये लीजिए पालक पनीर हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, इसे डाल के मिला ले। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी पनीर को ग्रेट करके डाल देंगे। इस तरीके से आप पनीर को ग्रेट करके डाल दे, ये देखिए। उसके बाद हम इसमें छोटी सी क्यूब बटर की डालेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बटर डालने से ये थोड़ा और भी खाने में अच्छा लगेगा, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालें। अब हम इसे चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। ये लीजिए रेस्टोरेंट जैसी पालक पनीर हमने घर पे बना के तैयार किया है। इसे आप रोटी या चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी। आप इसे घर पर जरूर बना के ट्राई करें। ये लीजिए पालक पनीर हमारी रेडी है। सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ हमने आपके साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर की है। इसके ऊपर थोड़ा क्रीम इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि देखने में ये और भी अच्छा लगे। ये देखिए, कोई भी बता नहीं पाएगा कि हमने इसे घर पे बना के तैयार किया है। ये हमारी रेस्टोरेंट जैसी पालक पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। आप इस पालक पनीर की रेसिपी को जरूर एक बार बना के ट्राई करें। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। आप एक बार जरूर बना के ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।